नमस्कार, आप देख रहे हैं एचबीएन न्यूज। दरभंगा में जिला परिषद सदस्य जमाल अतहर रूमी और प्रोफेसर उमेश चंद्र की हत्या के मामले में प्रशासन की चुप्पी को लेकर बेदारी कारवा ने मुख्यमंत्री, आईजी, डीएम और एसएसपी को ज्ञापन सौंपा है। वहीं उन्होंने 3 दिनों का समय भी दिया है। दरभंगा के सिंगवाड़ा प्रखंड के बिरदीपुर निवासी जिला परिषद सदस्य जमाल अतहर रूमी हत्या मामले पर 20 जुलाई को दरभंगा जिलाधिकारी ने एक जांच कमेटी गठित की थी, जिसकी रिपोर्ट समय पूरा हो जाने के बाद भी नहीं आ सकी है और न ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कहने पर वरीय पुलिस अधीक्षक को मुकदमा के लिए दिए गए आवेदन पर किसी प्रकार की कोई कार्रवाई होती दिख रही है। ऐसा लगता है कि जैसे रूमी और प्रोफेसर उमेश चंद्र की हत्या को जिला प्रशासन ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, जो किसी भी कीमत पर दरभंगा की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तक न्याय नहीं मिल जाता रूमी साहब के परिवार को, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। आज ऑल इंडिया मुस्लिम बेदारी कारवा ने 11 सूत्री मांग पत्र जिलाधिकारी, एसएसपी, आईजी दरभंगा और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार को आवेदन के माध्यम से सौंपा है और 3 दिनों का समय दिया है। अगर प्रशासन ने इस पर संज्ञान नहीं लिया, जांच रिपोर्ट नहीं दिया और दोषियों पर कार्रवाई नहीं की तो जिला भर में उग्र आंदोलन होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीएन न्यूज। हम यहाँ से नहीं ले जाने देंगे। उन्होंने बोला हम लिख के नहीं दे सकते हैं, संभव मतलब वो वहाँ से तैयार हुए और लेके यहाँ, और हमारे जो परिवार के दो लोगों को, दो सदस्य को उन्होंने वहाँ अरेस्ट करके रख लिया, वहाँ डीएमसी में अरेस्ट करके रख लिया। ये 19 तारीख रात की घटना है सर, 19 तारीख की रात की घटना, दो मतलब जने और सम वो लेके पुलिस है यहाँ, वहाँ से दरभंगा से 12 बजे शुरू हुए और 3 बजे वो बिरदीपुर हमारे गाँव में वो पहुँचे, मतलब 4 घंटा पूरे शहर में घुमाया, 4 घंटा किसी से कोई संपर्क नहीं, सभी का मोबाइल छीन लिया, किसी से कोई संपर्क नहीं, मोबाइल भी। एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। मुश्किल इस राह में मुस्कान नहीं छोड़ूंगी, ऊंचाई की चाह में स्वाभिमान नहीं छोड़ूंगी। महुआ विधानसभा क्षेत्र के दोनों प्रखंड के अंतर्गत विभिन्न पंचायतों में पिछले 3 सालों से मेडिकल कैंप लगाकर लोगों की सेवा में तत्पर। कोरोना जैसे महामारी को आए हुए 5 महीने हो गए, जब शहर के सारे डॉक्टर और हॉस्पिटल बंद है, लेकिन इन्होंने इस संकट की घड़ी में भी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं अपने अस्पताल के माध्यम से। पिछले 5 महीनों से कोरोना वायरस जैसे खतरनाक बीमारी से बचने के लिए लोगों के बीच साबुन, मास्क का वितरण और लोगों के बीच घूम घूम कर इस बीमारी के खिलाफ सजग रहने की सलाह दी। महुआ विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कैंप के दौरान फ्री दवा का वितरण। क्यों करें विचार, ठीक तो है नीतीश कुमार। डॉक्टर आसमा परवीन, प्रदेश महासचिव जदयू बिहार, स्वभावी विधायक प्रत्याशी महुआ विधानसभा 126, संस्थान मिशा क्लिनिक प्राइवेट लिमिटेड, जौहरी बाजार, हाजीपुर, वैशाली।